दो लोग हैं सब पे आसे अमेरिका पे अमेरिका बड़ा है भरे अब ये बनो नहीं रे एवरीवन नमस्ते इस मी राजेश राय गोरखे छोरो वेलकम बैक अगेन विथ माय न्यू वीडियो मेरा साथ मजा आई नियाज खान सो एवरीवन हाय हाउ आर यू सो गोरखे छोरो को सब्सक्राइब करो अभी हम लोग किधर जा रहे हैं लोग जा रहे हैं करशा क्या मस्त लग रहा है भाई का कार वार ले लिया लाइसेंस ले लिया पूरा ओमन का भाई बन गया अभी अभी तो टेंशन नहीं है अपना भाई का पास है कार तो कहीं भी जाना रहेगा तो उसको बोल दूंगा तो वहाँ हो जाएगा सब कुछ सेटअप सो देख लीजिए मेरा शूज का हाल इसमें लेस नहीं बना हुआ है क्योंकि नियाज भाई ने जल्दी जल्दी बुलाया था तो जल्दी में ऐसे चल के आया का सबसे बड़ा मस्जिद है यहाँ पे इसको बोला जाता है ग्रैंड मॉस्क हमारा भाई मस्त गाड़ी चला रहे हैं लाइसेंस लेके कितने महीने हो गए साल हो गए ना ना साल काम हुआ है साल भी नहीं हुआ लेकिन इतना महीना हुआ है ओमन में इतना मस्त करके गाड़ी चला रहा है 3 महीने में इतना परफेक्ट बन गया है भाई सो अब उनको भी सीखना है अभी गाड़ी र मैले बिबिचमा चाहिँ अब हिन्दी पनि युज गर्दैछु किनभने मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ प्रायः हिन्दी भाषीहरू नै छ त्यही कारणले चाहिँ बिबिचमा हिन्दी पनि मिक्स गरेर भन्नु भन्छ होइन साथीहरूले अब हामी बुझ्दैन तेरो अब गाउँमा यत्रो दामी दामी भ्लगहरू हुन्छ गाउँहरू त सुन्दर छ तर तेरो ल्याङ्ग्वेजमा भन्छस् त म बुझ्दिनँ हिन्दीमा भ्लग गर भन्ने भन्छ होइन सो त्यही कारणले चाहिँ बिबिचमा पनि मैले हिन्दी पनि युज गर्दैछु तपाईँले त्यसको अन्यता नदिनु होला यहाँ पनि नै आयो त म यार नै आयो त एकदमै नै आयो अरे कर्छ आज चाहिँ मैले गोर्खा हेड पनि लगाइरहेको छु है कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला हो क्या सो गाइस अहिले चाहिँ हामी सलाला म्युज आयौँ है यहाँ चाहिँ न्यासको साथी छ अरे खान भाइ लुक्यो क्या यहाँ चाहिँ अलिकति भिडियो हुन्छ मालुम नेपाली बोल्नु कहाँको हुनुहुन्छ भाइ नहीँ नहीँ किधर का उडिसा उडिसा का नै दार्जिलिङ होइन पता होगा न नजदिक उसले पता है उडिसाको हो भाइ उडिसाका होइन सो यहाँ पे सिलगढीमा काम किया सिलोङमा अच्छा ओके 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 तो इसलिए थोड़ा वक्त आपको लैंग्वेज मालूम है यहाँ पे तो पूरा गाड़ी का काम हो रहा है यहाँ से हम उड़ीसा को भाई रहे हम लैंग्वेज में अलग आऊँद पाकिस्तान से क्या नाम है आपका गाड़ी को यो पार्ट पार्ट ये ये कर देखे यहाँ पूरा भित्र के इंजिन डांगडुंग देखी रखे हो यहाँ से सब भाई काम कर ये काट के फेंक दिया वो दूसरा लगाया अच्छा अच्छा यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कलाकार लोग गाड़ी को आधा काट के फेंक दिया तो फिर ये फेंक दिया ये नया लगा दिया पीस कटिंग है ये पीस इधर लगाया हुआ है बाकी ये पीस कटिंग पड़ा है अच्छा अभी इसको भी दूसरे काम पे लगा देगा कचरा अभी हाँ अच्छा भंगर में चला जाएगा ओके ओके ये गाड़ी ला आधा काटे यहाँ फेंक फिर अर्क नया पीस लगा हाई देखो अच्छा अच्छा अभी बन रहे हैं यहाँ पे ये आधा दूसरा पीस है ये आधा आगे का दूसरा ओके ओके फ्रंट साइड का भी काम बाकी अच्छा फ्रंट साइड का भी काम बाकी है तो ये इसको न्यू बना देगा आप लोग न्यू होगा अच्छा 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 ये किसी का मतलब ऑर्डर है या नहीं अपने शोरूम का गाड़ी है अच्छा शोरूम का गाड़ी शोरूम का गाड़ी शोरूम जाएगा अच्छा यहाँ बन के फिर शोरूम में जाएगा ओके 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 तो भाई ने सब कुछ बता दिया ये नया बनने के बाद फिर आपको शोरूम में चला जाएगा तो वहाँ से सेल होएगा ये जो ये पुराना गाड़ी का बनाया ऐसा अच्छा जो पुराना गाड़ी था जो काम नहीं लगने वाला था उसको आधा आधा गाड़ी अच्छा हाँ 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 अच्छा 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 ओके हाँ 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 अमेरिका का जो गाड़ी है ना अमेरिका का कैंसिल गाड़ी हुआ रहता है अच्छा अच्छा
तो भाई ने तो एक्सप्लेन कर ही दिया, ये पुराना गाड़ी है, इस गैरेज में लिया जाता है, तो उसके बाद फिर यहाँ से बना के न्यू बना के फिर शोरूम में भेजा जाता है ना। पूरा कटिंग हुआ है, हाँ हाँ, आधा पीस इधर से आधा पूरा कटिंग होकर एक्सीडेंट हुआ हुआ था इस साइड का, फेंक दिए, ओके, और अभी ये नया डाला हुआ है, नया डाले, अच्छा अच्छा, पूरा इंजन वगैरह भी चेंज किया है, खाली ये बॉडी का है? नहीं, खाली बॉडी चेंज किया, बॉडी फ्रंट साइड अभी बाकी है, फ्रंट साइड अभी पूरा क्लियर खत्म नहीं हुआ है काम, आधा काम बाकी है, अभी फ्रंट साइड अभी चालू होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बहुत सारा गाड़ी हम लोग का इधर जो काम होता है, हमारा अमेरिकन गैरेज है, ओके ओके, इधर कोई भी आके इधर से उमानी, कोई से भी उमानी हुए, इधर से हम लोग गाड़ी सेलिंग भी करते हैं यहाँ से। अच्छा, ओके ओके, जिसको चाहिए तो हम लोग आके यहाँ से भी ले सकते हैं, हम लोग का फरक में हम लोग का शोरूम हैगा, यहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग का अरबाब से भी मिलकर ले सकते हैं गाड़ी वाड़ी कुछ भी, और इधर काम भी लग करवा सकते हैं, इधर मतलब गैरेज है हम लोग का, इधर काम भी लग करवा सकते हैं गाड़ी, जरूरत रहेगा आपको जब भी आपका कुछ मतलब कलर का काम हुआ है कि डेंटिंग का हुआ है, मैकेनिक हुआ है, इलेक्ट्रिशियन हुआ, टोटल काम हम लोग को होता है, और टोटल लॉस कार काम होता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये गैरेज का जगह एरिया का नाम क्या है बोला आपने? ये हम लोग का करसा सनी है, करसा सनी यहाँ पे एक गैरेज है बड़ा वाला, यहाँ पे सब कुछ होता है, वेल्डिंग से लेके कलरिंग, और जो पुराना गाड़ी है उसको भी नया करके दे देगा। अपने भाई ने बता दिया सब कुछ इसके बारे में, तो अभी ये बन रहा है, बनने के बाद पूरा नया हो जाएगा। तो यहाँ कसा सानियामा चाहिँ एउटा ग्यारेज छ, ग्यारेजमा चाहिँ त्यहाँ सबै चिज चाहिँ बनिन्छ, अब पुरानो गाडीहरू ल्याएर चाहिँ फेरि त्यस्तो, अब दुईवटा पुरानो गाडी छ भने आधा काटेर त्यसरी जोइन्टहरू गरेर होइन फेरि त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो पर्फेक्ट बनाएर सरुङमा लगेर सेल गर्दो रहेछ है। र तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छ यहाँनिर यो गाडीलाई पनि आधा आधा गरेर, आधा चाहिँ काटेर फ्याँकेर फेरि आधा बडी अर्को एकदम मस्त गरिरहेको छ, अगाडिको इन्जिनहरू पनि यहाँ बनाइरहेको छ यस्तो डलाउँदै। कबीर इन्जिनियर त है, कबीर इन्जिनियर, ओके ओके, यहाँ गाडीको इन्जिनहरू चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखेको थिइनँ हो, यस्तो ओपन गरेर चाहिँ यहाँनिर कति चिजहरू चाहिँ हुँदो रहेछ, अन्त अरे के हो नि यहाँनिर हो, ह्यान्डुङ बनाउँदो रहेछ नि आजले, यहाँनिर लिएर आएको थियो, नयाँ एक्सपिरियन्स पनि भयो है, गाडी कसरी बनाउँदो रहेछ के गर्दो रहेछ त्यो देख्नु पनि पाएँ। यहाँ चाहिँ स्कभर फिट गर्दो रहेछ होइन, यस्तो पाराले चाहिँ फिट गर्दो रहेछ यहाँनिर है। सो यहाँनिर ग्यारेजमा आएर चाहिँ अब धेरै कुराको नलेजहरू भयो होइन, यहाँ पनि अब हर डिपार्टको चाहिँ अलग अलग हुँदोरहेछ, जस्तै पेन्टिङ गर्नेको अलग्गै भयो होइन, एसीको काम गर्नेको अलग्गै, पार्टहरू सेट गर्नेको अलग्गै, इन्जिनियरिङ अलग्गै होइन, यो सबै अलग अलग हुँदोरहेछ। जस्तै हाम्रो होटेलमा पनि अब हर डिपार्टमेन्ट हुन्छ होइन, एफएमबी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, एफएमबी सर्भिस भयो, फ्रन्ट अफिस, एसके डिपार्ट होइन, हर चिज यस्तो हुन्छ, त्यस्तै टाइपको चाहिँ यहाँ पनि हुँदो रहेछ होइन, सबैको अब आफ्नो आफ्नो काम हुँदो रहेछ। पेन्टिङ गर्नेले पेन्टिङ मात्रै, मिसिनहरू बनाउँछ होइन, मिसिनहरू बनाउनु अलग्गै, फेरि बडी जोइन गर्नेले बडी बनाउनेले अलग्गै, गाडीको एसीहरू बनाउने अलग्गै, हर्नहरू अलग्गै, त्यो मतलब हर चिज अलग 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 हुँदो रहेछ, कि एउटै मान्छेले चाहिँ डल्लै गाडी बनाउँछ भन्ने चाहिँ होइन रहेछ, सबैले नै एउटा एउटा सानो चिजहरू गरेर चाहिँ एउटा गाडी बनाउँदो रहेछ। सो यहाँ चाहिँ पुरानो गाडीहरू चाहिँ है अमेरिकाबाट आउँदो रहेछ, अमेरिकाबाट आएको गाडीहरूलाई चाहिँ फेरि यसलाई नयाँ बनाएर रिपेयर गरेर बडीहरू चेन्ज गरेर फेरि सेल गर्दो रहेछ। सो यहाँको काम चाहिँ यस्तो रहेछ, सो धेरै चिजको नलेज भयो। के ब्याट्री है, ब्याट्री पनि यहाँ ब्यागमा यस्तो फिट भएको हुँदो रहेछ। ये ले रहा है क्या तुम? तो थोड़ा धक्का मारना है इसे, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बैग हो रहा है, बैग हो रहा है, बैग हो रहा है, गाड़ी ला धक्का ला दे, फिटिंग करने के लिए इसका इंजन बनाने के लिए चाहिए, यहाँ उठाउँदा चाहिँ यसरी गाडीको मुनि चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस् है, अमेरिकाको मट्टी पनि आ गया। अब यो चाहिँ रिपेयरिङको लागि चाहिँ यस्तो गर्दैछ, अमेरिकाबाट आएको अरे यो गाडी होइन, अमेरिकाको धुलोहरू पनि आएछ नि यहाँनिर, गाडी त मजा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ अब एक्सिडेन्ट भएर अब केही खराबी भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर आउँदो रहेछ होइन, यहाँनिर आएर चाहिँ फेरि नयाँ
रिपेयरिङ गरेर नयाँ फेरि सेलमा लाउँदो रहेछ. यहाँ चाहिँ अब अमेरिकाको सबै ऊ धुलो घाँसहरू पनि आइरहेको रहेछ. अब अमेरिका नपुगे पनि यहाँ धुलो घाँसहरू चाहिँ यहाँ आएको रहेछ. भेट्नु चाहिँ पायो, गाडीलाई पनि भेट्नु पायो. थ्याङ्क यू, बाई बाई, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके ठिक छ, धन्यवाद. हाँ ओके भाइ, थ्याङ्क यू. अब त नजिकै आदमी उडिसा और दार्जिलिङ त यत्रो दूर नै होइन. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच. फेरि मिलेङ्गे आएगा. निराजले चाहिँ अब गाडी चालु गरे है. अब चाहिँ हामी जाने वापस. अहिले चाहिँ आइपुग्यौँ हामी है हाम्रो होटेल. ओके हामी चाहिँ अहिले आइपुग्यौँ. हजुर भाइ चलो आज हौ, मै जा रहा हूँ. सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो है. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क यू फर वाचिङ. इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. दोज आर द न्यू टु माई च्यानल, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड हिट द नोटिफिकेसन बेल. सो नेक्स्ट भिडियो, टिल देन बाई बाई.